बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट यानी कि आमिर खान ने अपने करियर में कई सुपरहिट फिल्में दी है। आमिर खान हर काम को बेहद ही परफेक्शन के साथ करते हैं और इसी कारण उन्हें मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से पुकारा भी जाता है। आमिर खान ने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत फिल्म कयामत से कयामत तक से की थी, लेकिन इससे पहले वो कई फिल्मों में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर काम कर चुके हैं। दरअसल आमिर खान ने अपने चाचा के साथ मिलकर कई फिल्मों को असिस्ट किया है, जिसमें मंजिल मंजिल से लेकर जबरदस्त फिल्म का नाम भी शामिल है। इन दोनों ही फिल्मों में आमिर खान के काम को काफी पसंद किया गया। हालांकि फिल्म जबरदस्त के सेट पर आमिर खान के साथ एक ऐसी घटना घटी जो आज तक आमिर खान को कचोटती होगी। दरअसल जबरदस्त फिल्म के सेट पर एक्टर अमरीश पुरी आमिर खान पर पूरी तरह से भड़क गए थे और उन्होंने सबके सामने एक्टर को खूब फटकार भी लगा दी थी। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो आमिर खान को जबरदस्त फिल्म के दौरान एक्शन डायरेक्टर बनाया गया था। आमिर खान को जिम्मेदारी सौंपी गई थी कि वो फिल्म के सभी एक्शन सीन्स की जानकारी अपने पास रखे और शूटिंग के दौरान एक्टर्स को उनका काम समझाए। एक दिन शूटिंग के दौरान आमिर खान ने एक्टर अमरीश पुरी को पूरा सीन समझाया, लेकिन अमरीश पुरी उस सीन को सही ढंग से नहीं कर पा रहे थे। आमिर खान तो ठहरे मिस्टर परफेक्शनिस्ट, वो अमरीश पुरी को बार बार सीन याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। पहले तो अमरीश पुरी ने आमिर खान की बातों को अनसुना किया, लेकिन जब आमिर खान बार बार अमरीश पुरी को टोकने लगे तो एक्टर परेशान हो गए और उनका गुस्सा फूट पड़ा। आमिर खान के बार बार टोकने पर अमरीश पुरी पूरी तरह से भड़क गए और उन्होंने सबके सामने एक्टर को डांटना शुरू कर दिया। इस दौरान वो एक्टर पर जोर जोर से चिल्लाने लगे। हालांकि आमिर खान भी बिना कुछ बोले केवल अपना सिर झुकाए अमरीश पुरी की डांट सुनते रहे। हालांकि जब ये बात आमिर खान के चाचा नासिर हुसैन को पता चली तो उन्होंने अमरीश पुरी को शांत किया और उन्हें थोड़ा समझाया, साथ ही कहा कि आमिर खान तो केवल अपना काम ही कर रहे थे। हालांकि जब अमरीश पुरी को पूरी बात पता चली तो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने आमिर खान के काम के प्रति लगन की खूब तारीफ भी की। बता दें कि इस घटना के बाद अमरीश पुरी आमिर खान के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं। तो दोस्तों, इसको लेकर क्या है आपकी राय, कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी ना भूलें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।